मोबाइल जो चाइना बना रहा है, 60% जूते पूरे ऑल आर वर्ल्ड के अंदर चाइना सप्लाई कर रहा है, 64% सोलर सेल, 60% सीमेंट, 50% कोला, 45% सिप जो पानी के जहाज होते हैं, और 50% स्टील, 50% सेब पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना 50% सेब उत्पादन में। दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है 6% में। आप गैप कितना बड़ा है देख लीजिए। और उसके बाद आता है आपका ये सारे के सारा स्किल, किस तरह से उसने स्किल डेवलपमेंट को, नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली तो वो एक चीज को ध्यान से जान चुके थे कि देश को तरक्की करने के लिए देश के युवाओं की तरक्की करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे ऐसे लॉन्च किए। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर वो संपूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो गया तो हमारे देश में करप्शन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ये सोच है। तो आप सोचिए कि हमारा आज कंपटीशन टेक्नोलॉजी में चाइना के साथ है। अब चाइना पूरे देश का जो है वो 25% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है, हम कितना दे रहे हैं? क्या हम नहीं कर सकते ये सारी चीजें? कर सकते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म दी जा रही है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेशनरी वगैरह का जो सामान दिया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है बच्चों कि तुम लोग खड़े होकर देश की तरक्की में भागीदारी दे। मैं देखता हूं कई बार कि कुछ लड़के एडमिशन लेके यहां पर नहीं आते और बाद में वो देशभक्ति के बड़े नारे लगाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि बॉर्डर पे जाके सिर्फ फौजी बनने से ही देशभक्ति होती है? क्या तुम लोग अच्छे से ये प्रोग्राम सीख के यहाँ पर एक अच्छा मैकेनिक बनेगा ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन का, या फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का एक अच्छा वो बनेगा टेक्नीशियन और अपने देश को सपोर्ट करेगा, क्या वो देशभक्ति नहीं है? या छोटे छोटे काम अपने देश के प्रति प्यार नहीं करना, वो देशभक्ति नहीं है? किसी महापुरुष ने कहा है, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार नहीं। अपने देश से प्यार करो बच्चों। आज चाइना के अंदर जो चाइनीज आदमी है सबसे ज्यादा अपने देश को प्यार करता है, लेकिन हमारे जो देशवासी है वो जात धर्म के अंदर इतने बड़े हुए हैं देश को प्यार करना ही भूल गए। आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम को अच्छे तरह से यूटिलाइज कीजिए। जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, एक बार सोच के देखना कि ये क्यों दी जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक मकसद है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का। अगर आप एक जापान, बहुत ही छोटा जापान है, हमारे देश के मुकाबले में जनसंख्या के आधार पर बहुत ही छोटा है, लेकिन वो हमें बुलेट ट्रेन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक आंकड़ा और आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 1948 में जापान पे पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा देश है वो जिसपे परमाणु बम हमले हुए थे, उसके दो शहरों पे परमाणु बम हमले हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। उसके बाद भी अपने आप को इतना वो किया कि टेक्नोलॉजी में इतना। एक बार उनके जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, उनसे पूछा भी, अमेरिका ने आपको तबाह किया, अमेरिका ने आपको तबाह किया, क्या आप पलट के वार नहीं कर सकते थे? परमाणु बम तो आपके पास भी है। जैसे आज हम पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हम भारत में परमाणु बम से हमला कर देंगे, तो हमारा एक ही जवाब होता है कि हमने कौन सी चार डालने के लिए रखे हैं, तुरंत हम भी करेंगे। तो लेकिन जापान के प्रेसिडेंट का जो जवाब था बहुत ही अजीब था। वो कहता है कि आज अमेरिका का जो प्रेसिडेंट लैपटॉप यूज करता है मेड इन जापान है, 80% टेक्नोलॉजी आज अमेरिका जापान की यूज कर रहा है, हमने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में हरा दिया। किसी देश को हराने का मतलब ये नहीं, किसी आदमी को हराने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर लाठी डंडों या गोले बारूद से हमला कर दो। जिसमें आपका उसके साथ मुकाबला है उसी फील्ड में जाके उसको हराओ तो तभी मजा आता है। आज हमारा जो मुकाबला है वो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर है, और जो ये टेक्नोलॉजी की आपको शिक्षा दी जा रही है, जो ये ट्रेनर आपके बीच में खड़े हुए हैं, ये कोई ऐसे ट्रेनर नहीं है, SSC सर्टिफाइड ट्रेनर है, इवन मेरे को तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी गई है,
और हमारी सैलरी भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे, अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे तो उसका फायदा ही क्या है? क्या फायदा है स्किल इंडिया का? बाद में हम करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम फैल होगी, लेकिन ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम फैल क्यों होगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, और जो अपने भाई बहनों को यहाँ पर भेजना चाहता है उनको भी भेजिए कि वहाँ पर आपको एक अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की ट्रेड है, हर एक ट्रेनर्स आपके उसके बारे में बताएंगे आपको। और दूसरा, हमारा देश तरक्की कर रहा है, आप सभी को पता है कि हम विकसित नहीं, विकासशील है, हम तरक्की कर रहे हैं। कोई देश तभी तरक्की करता है जब उसमें रहने वाले लोग ही तरक्की करते हैं, और लोग तभी तरक्की करते हैं जब उनके पास एक अच्छा हुनर होता है। तो अपने हुनर को निकालिए और हमारे साथ मिलके, पीएमके के करनाल के साथ मिलके, राजीव भाटिया के साथ मिलके, और इन सारे ट्रेनर्स के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के इस कोर्स को सक्सेसफुल कीजिए, कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए। क्या आप सीखोगे और देश की तरक्की में भागीदारी दोगे, योगदान दोगे? Yes. दोगे? Yes. आवाज नहीं आई। ऐसे कैसे योगदान दोगे? तुम्हें बोलने के लिए भी स्पीकर की जरूरत पड़ती है और तुम योगदान दोगे। क्या तुम देश की तरक्की में योगदान दोगे? Yes, बिल्कुल ऐसे ही देना है। और दुश्मन को उखाड़ फेंकना है, जो भी हमारा दुश्मन है। प्लानिंग दूसरे देश में होती है, दंगे हमारे देश में होते हैं। हमारे जितने भी युवा है सोशल मीडिया के इतने गुलाम हो चुके हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा मैसेज सही है और कौन सा मैसेज गलत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ। बच्चों, अपने हर एक चीज का यूटिलाइज कीजिए, अपना बॉडी यूटिलाइज कीजिए।